हेलो, वेलकम टू पेंटिंग विद मो। आज मैं बना रही हूँ फूलों वाली रंगोली, लेकिन ये फूलों से नहीं बनने वाली, ये बनने वाली है ऊन से। पहले घर में पड़ी हुई कोई भी पीच बोर्ड को किसी भी पैटर्न में अपने पसंद के हिसाब से काट लीजिए। उसके बाद ऊन को हाथों में लपेट कर पॉम पॉम जैसा बनाना है। अब पॉम पॉम के एक्स्ट्रा हिस्से को काट काट के छोटे छोटे हिस्सों में ले लेना है। हम वैसे भी ऊन को काट सकते थे, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो पॉम पॉम को भी हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। अब ये कांटे वाले हिस्से को एक जगह जमा कर लीजिए और पीच बोर्ड में बना लीजिए कोई भी अपने पसंदीदा पैटर्न। उस पैटर्न के हिसाब से इसको चिपका लीजिए ग्लू की मदद से। अब चिपकाने के बाद ये हो जाएगा एक पैटर्न रेडी। लेकिन मैंने इसके अलावा और छोटे छोटे चार पैटर्न भी बना लिए हैं। उस चार पैटर्न को भी इसके बाद रेडी कर लेंगे एक ही जैसे ग्लू से उस कांटे वाले हिस्से को चिपका कर। उसके बाद आप इसको सजा सकते हैं दिए से या फिर फूलों से या फिर ऐसे ही। इसको उठा के रख लीजिए, सालों साल यूज़ कीजिए। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। हैप्पी दिवाली।